सत श्री अकाल, मैं रीना तिमान, तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। ते सवेर दी वड्डी खबर, साबका मंत्री भारत भूषण आशू दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। दस दिए कि उन्होंने अपनी जमानत लई पटीशन दायर की है, ते इस दी सुनवाई 7 सितंबर नूं होवेगी। सो दस दिए कि रिमांड खत्म होने तों बाद भारत भूषण आशू नूं 14 दिनों लई न्यायिक हिरासत विच भेजा गया सी, जिस तों बाद अज उन्होंने अपनी जमानत लई पटीशन दायर की गया। उन्होंने वालों जमानत अर्जी दाखिल की गया, मांग की जा रही कि उसनूं जमानत दी जाए, जिससे कि 7 तरीक नूं सुनवाई होगी। सदा दिए कि कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के विजिलेंस ब्यूरो लुधियाना वालों गिरफ्तार किए गए साबका कांग्रेसी मंत्री भारत भूषण आशू ने अदालत में अपनी जमानत पटीशन दायर कर दी है। इस मामले की सुनवाई वधीक सैशन जज डॉक्टर अजीत अत्री ने करदिया 7 सितंबर लई विजिलेंस पुलिस नूं अदालत में मामले संबंधी पूरा रिकॉर्ड समेत तलब किया। भारत भूषण आशू का रिमांड खत्म होने से अदालत वालों उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया सी। अपनी जमानत पटीशन दे विच आशू ने सियासी बदलाखोरी तहत मामले दे विच नामजद अते गिरफ्तार किए जाने के दोष लगाए गए ने, अते उन्हें कहा कि उन्हें खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सो एक बार फिर तुहानू दस दिए कि सवेर की वड्डी खबर, साबका कांग्रेसी मंत्री भारत भूषण आशू के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। उन्होंने वालों अपनी जमानत के वास्ते पटीशन दायर कर दी है, जिथे कि 7 सितंबर को सुनवाई होगी। सो देखना होगा कि उन्होंने जमानत अर्जी को मंजूर किया जाता है ज नहीं। कैमरामैन शंकर दे नाल रीना तिमान की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां, बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।